अरे भाई शिरीषा को देखा क्या? बताना कैसी है, सेल्फी ली क्या? शिरीषा को छोड़ना यार, उसके साथ एक लड़की थी। हाँ वो पागल मोटी जिसके पास कुत्ता रहता है, वही ना? चल निकल। क्या हुआ यार? क्या हुआ यार? तुझे आजकल सच सुन के गुस्सा आता है ना? हाँ बे आता है। चल निकल, जा जाकर जावेद को बोल जा, उसकी शायरी सुनूंगा, बोल दे। बोल ना क्या सुनेगा? बाद में यार, श्रीशा के साथ एक और लड़की आई हुई है ना, वो सड़ी हुई फेस वाली, एकदम खूबसूरत, अच्छी है, समझा? उसको जब से देखा है तब से कितनी लड़कियों को क्रॉस करके आया हूँ, लेकिन ये अंदर तक घुसकर ऐसे तबला बजा रही है क्या? ए नाम क्या है उसका? भानु है। हाँ, उसका नाम गौरी है। ए S5 में उसका नाम रेजिना है, वो ना 27, 28, 27, नाम क्या बताया? सरोजा। उम्र? करीबन 19-20 होगी। बेचारी। क्यों? छोटी उम्र में शादी हो जाएगी ना किसी और के साथ। ओए घूर क्या रहा है, तेरी किस्मत ही ऐसी आएगी किस्मत। हाँ बोलो बड़ी मां। जावेद तेरी बहन फांसी लगाने जा रही है। रोनी को फोन दो। ये ले, तेरा भैया बात करना चाहता है, बात कर, बात कर। रोनी रोते नहीं बेटा, क्या हुआ तुम्हें? भैया मुझे जो लड़का देखने आया था मुझे नापसंद करके चला गया, वो खुद बंदर जैसा था, अगर उसे ही मैं पसंद नहीं आई तो किसी को भी पसंद नहीं आएगी। ऐसा नहीं बोलते बहन, शादी नहीं करती। मेरी बात मान, तेरी शादी होगी। नहीं होगी भैया, मेरी किस्मत ऐसी ही है, इस जन्म में मेरी शादी ही नहीं होगी, यही मेरी किस्मत है। रोते नहीं बेटा रोनी, तुम एक मिनट रुको, मैं किसी और को फोन दे रहा हूँ, वो बोलेंगे कि तुम उन्हें पसंद हो, उसके बाद देखना कितनी जल्दी तुम्हारी शादी होती है। नहीं बेटा उससे भी बढ़कर है। एक मिनट रुको, मेरी ताऊजी की बेटी है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। मैं शादी वादी नहीं करूंगा। अरे तुमसे नहीं करनी है, उसकी शादी करवानी है। बस एक बार उसे बोल दे कि वो तुझे पसंद है। फांसी लगाने जा रही है, तेरे पैर पकड़ रहा हूँ, बचा दे यार, प्लीज प्लीज बचा दे उसे। ठीक है बोल दे उसे। स्पीकर ऑन कर। एक मिनट बेटा मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, ये लो बात करो। हेलो मुझे तुम बहुत पसंद हो। दीदी लड़के वाले वापस आ गए, रोहिणी बहुत पसंद है उन्हें। क्या बात कर रहे हैं? सच बोल रहा हूँ दीदी, ये देखो आ गए। भाई जावेद भैया ने बोला था तभी मुझे भरोसा नहीं हुआ था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम्हें जरूर एक बार मेरे घर हमारे गांव आना पड़ेगा भैया। क्यों? यहाँ पर लीना मीना टीना मालिनी कई लड़कियों की शादी नहीं हुई है, तुम एक बार यहाँ आकर सबको बोलोगे कि तुम्हें वो पसंद है तो सबकी शादी हो जाएगी। जरूर आना भैया। भैया भैया लेकर आएंगे उन्हें, जरूर लेकर आऊंगा मैं। आप उन्हें लेकर पक्का लेकर आऊंगा, जरूर जरूर लेकर आऊंगा भैया, पक्का आना। कमाल यार तुम्हें, मुझे भी यकीन नहीं था कि बात ऐसे बन जाएगी। तेरे कहते ए भाई, ये ट्रिप खत्म होने के बाद एक बार गांव चलना। ए मजाक सूझ रहा है क्या? तू देख लेना इस ट्रेन के चेन्नई पहुंचने से पहले उसे पटा कर दिखाऊंगा। अरे तू भी नसीब तो देख, तेरे बोलते ही एकदम अंधेरा हो गया। भाई वो लड़की तड़ा में ही उतर जाएगी। क्या हुआ भाई, सीरियसली प्यार करता है? बाकी लड़कियों के बारे में बोलते समय भी मुझे एहसास हो जाता था, लेकिन इस लड़की को देखते ही अंदर अजीब सा एहसास होता है, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। वैसे ही ना, तब तो ये पक्का वाला प्यार है। मैं मदद करूंगा तेरी। तू कैसे मदद करेगा? फुल फिल के साथ शायरी पेश करता हूँ, वही लिख के उसे दे दे। छोड़ चुप कर। देख भाई ये काम जरूर करेगा, ये ले। छोरी छोरी, वापस से छोरी लिखना है यार, बीच में मत बोला कर, डिस्टर्ब होता है। ठीक है ठीक है। हाँ छोरी छोरी छोरी। ए तुझे कभी गाली दी है मैंने? आज मजबूर मत कर, चल जाए यहाँ से। छोरी 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 छोरी, एक चीज बार बार बोलने से शायरी हो जाती है, ये ले निकल यहाँ से। तेरा मूड ठीक नहीं है अभी, मैं तो सही जा रहा था। चल फोन पे सुना। हाँ, फिर अच्छे से सुना दूंगा, चल निकल। पर एक बात है, मेरी बहन की शादी हो जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। थैंक्स यार, तुझे गांव जरूर ले चलूंगा। जा बोला तो। एक लोकल शेर याद आया, तुझे जरूर अच्छा लगेगा, सुन। छोरी छोरी जाना, जावेद अख्तर पे हाथ उठाता है, मेरे पास आएगा तू। क्या है ये? हार्ट है। इससे पट जाएगी वो, इसको हार्ट बोलते हैं। तो कैसे पट जाएगी? जो सिखा रहा हूँ वो सीख, बहस मत कर। ब्लडी बेकर सड़ा हुआ टमाटर। बेटा सर बोल कर देना। क्या बोल कर देना है सर? मेरा दिल है, बोल कर देना। मेरा दिल बोल कर दे दूंगा सर।
अगर उसका दिल बोलेगा तब तो उल्टा हो जाएगा ना। इनोसेंट बॉय। हम तेरे बिना अब जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। मैडम, आपने जो अभी अपनी नई वाली फिल्म में गाना गाया था ना, उसके लिए कितने टेक्स दिए थे? एक एक लाइन 5 से 6 टेक में। 5 से 6 टेक? मैं तो कोई भी सॉन्ग बस एक ही टेक में गा सकती हूँ। वो सॉन्ग है ना, उसके दूसरे अंतरे में जाने मन वाली जगह पर थोड़ा सा सुर गया है बस, है ना? वो ऑटो ट्यून कर देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तेरे बेसुरे गले से निकला हुआ गाना भी ठीक कर सकते हैं वो। मुझे किसी ऑटो ट्यून की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही गा सकती हूँ। आखिर तू है कौन? तू श्रेया घोषाल है ना? सुनिए ना। क्या? अब जब मैडम अपनी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में जाएंगी ना, तो म्यूजिक डायरेक्टर सर को मेरा गाना भी सुनाने के लिए बोलिए ना। ठीक है, मिलेंगे तो बोल दूंगी। कटलेट आ गया क्या? लाओ लाओ लाओ। सरोजा, हाँ, चिंकी को पकड़ ले। कटलेट आपके लिए मैं खास बना कर लाया हूँ। ये क्या है? कटलेट है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, बाकी सबको राउंड शेप में दिया, मुझे हार्ट शेप में क्यों दिया? अब एक ही तो हार्ट है तो सभी को थोड़ी दे सकता हूँ, इसलिए सिर्फ आपके लिए। इसमें ये तीर क्यों बनाया? हार्ट बिना तीर का कैसे? ये हार्ट के अंदर तीर मारने का काम यहाँ नहीं चलेगा। तो कहाँ चलेगा? आखिरी बार बोल रही हूँ, आगे से जिसको भी दोगे ना एक ही शेप में देना, समझ गए? सभी एक ही शेप के हैं क्या? हे, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? चमची? नहीं, मेरे हाथ में डिब्बा और तुम्हारे हाथ में चम्मच, बस वही तो बोला। तुम अगले साल से मैं इस फर्स्ट क्लास में तो फ्लाइट में जाऊंगी, तब तुम देख लेना। फ्लाइट में जाओगी तो दिखेगा, फुटबोर्ड पर खड़ी रहोगी क्या? मैं उसके पंख पे बैठ कर जाऊंगी। सरोजा, क्या कर रही है? तू है जा। अरे ऐसे लटकने से अच्छा। क्या अच्छा है? आप तो शोले के संजय कुमार लग रहे हैं सर। आप मुखी मुखी क्यों कर रहे थे सर? देखो, मुखी कुमार मेरा स्टूडेंट है, मेरे दिल को कटलेट के शेप में लेकर गया है। उसे देखकर श्रीशा, श्रीशा वो कटलेट बनाने वाले से तुरंत मिलना चाहेगी। बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं? वो नहीं सर, वो हीरोइन है। अपनी जिंदगी में पता नहीं कितने बड़े लोगों से मिली होगी वो, उन सबको छोड़कर वो आपसे प्यार क्यों करेगी? उसका दिमाग नहीं खराब है? जल रहा है तू। हीरोइन को तो हर कोई पसंद करता है सर, यहाँ तक कि उन्हें कुत्ते भी पसंद करते हैं। चल जा। अरे हाँ, महाशायर जी इधर आइए। कोई ऐसी शायरी है जिससे वो फट से पट जाए? है ना सर, तुरंत पड़ जाएगी, प्यार का पिंजरा। तू छोड़ दे, सब कुछ ठीक चल रहा है, तू कूड़ा कर देगा, चप्पल खाएगा तू उसकी। मुखी कुमार, क्या हुआ सर? कब से मैं इंतजार कर रहा हूँ, चल इधर 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 बैठ। ये क्या, आधा दिल यहाँ पर है? उनका है ये, आपको देने को बोली है। शीशा बोली है? उनकी माँ। उनकी माँ? मेरी उम्र बताई उसे? बिना एक्सपीरियंस के लड़के को भेजेंगे तो ऐसा ही होगा। तू थोड़ा कम कर दे। उम्र ना सर। बोल ना, अब उठ और जाकर अपना काम कर। थैंक्स सर। दाना कबूतर को डालने को बोला था और एक कुत्ते को परोस कर आ गया है। कभी हार नहीं माननी चाहिए। कुरियर बॉय, तू परेशान क्यों होता है? सॉरी सर, मैं सही बोल रहा हूँ। चलना काम करना। चलना बेटा, काम करना यार, काम कर। ये दिल है मेरा, मिलिट्री वाला यार, उसको दीवाना बना दिया। बना दिया ना बे, बना दिया ना, नीचे गिराए बिना ठीक से बनाना। सर, आप अपना दिल बनाइए ना सर। बना दिया बेटा, लुकिंग नाइस ना। थैंक्स सर। ये क्या बेटा, तुम मेरी मदद कर रहे हो ना, तो थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। ओके सर, इस बार बिल्कुल उसे ही देना बेटा। इस बार क्या बोल कर दे दूं सर? वही, कुछ फट से दिमाग में आ नहीं रहा। मेरे दिमाग में आ रहा, फट से बोलूं? हाँ, बोल 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 बोल। बुरा तो नहीं मानेंगे आप? बेटा सर, ऐसा उसे कंसल्ट करने की जरूरत है? नो 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 नो। क्या बोल कर दूं? तुझे प्यार हो गया है ना? हाँ हो गया। कुछ सूझ रहा? हाँ, है सूझ ना? रहा है। तो बस वही जाकर बोल दे। वही बोलकर तो देने वाला हूँ। लाजवाब। बेटा सर, हम जो बात कर रहे हैं वो बिना जाने हंस रहे हैं ये लोग। वो लोग ऐसे ही सर, पागल है सर। हाँ बेटा, पागल है, पागल पागल है। बेटा तुम यहाँ रहोगे तो ये लोग तुम्हें कंफ्यूज कर देंगे। हाथ ठंडा हो रहा है, तुम लेकर जाओ। ठीक है सर। और इस बार तू उसे जरूर मेरे लिए पटा लेकर, जानता हूँ। रास्ता दे, रास्ता दे, रास्ता दे बोला। बेटा जल्दबाजी में बोलकर चला गया। जाओ जाओ। सुपर
सूप है, घुल गया है? सूप को अच्छे से मिलाकर पीना तो पूरी ताकत से गाली दे सकोगी। ओ। जावेद अख्तर सर बोलिए ना, मैं ड्यूटी पर हूँ सर, क्या बात है? एक जबरदस्त शायरी आ रही है, जरा सुन लेना यार। राइटर साहब आप मुझसे पूछ रहे हैं? अपने राइटर साहब है ना, लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब। हेलो मुखी। हाँ मेरा खास दोस्त है, क्या हुआ सर, डाउट है क्या? डाउट सर यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है, मैं बाहर आ जाता हूँ। यार आज के बाद तू जो शायरी सुनाएगा मैं सुनूंगा। तू बोल रहा सुनने को, मैं तो शायरी बोल गया। तू होटल में बैठकर सुनेगा तब भी तुझे कुछ याद नहीं आएगा। हाँ सर एक मिनट यार। हाँ जुल्फों के गर्म साए में सर। क्या बोल रहा है? थोड़ा यूजुअल लग रहा है सर, और भी थोड़ा कुछ बेटर ट्राई कर सकते हैं क्या सर? अरे ये तो उससे भी पुराना लगता है सर। एक मिनट ना सर। जुल्फों की नरम छाव में कैसा रहेगा सर? ये तो पहले ही आ चुका है, अगर अच्छा है तो ऐड कर लीजिए। नकल मारू क्या सर? अपने बीच क्या धन्यवाद सर। ए, तू मेरी सुनेगा या नहीं सर? इतनी जल्दी दूसरी शायरी कैसे सर? पहली कहाँ सुनाई। ठीक है सर मैं लिखने के बाद आपको फोन करता हूँ सर। थैंक यू सर। ए, हेलो तेरी यादें मुलाकातें। क्या चाहिए तुम्हें? सच में जावेद अख्तर सर को जानते हो? मतलब अब मैं इतनी देर जो बात कर रहा था तुम्हें झूठ लग रहा है क्या? नहीं। वही तो ना। आप जावेद अख्तर सर को कैसे जानते हैं? वो कैसे बोले तो 6 महीने पहले ही, जैसे तुम आ रही हो ना इसी कंपार्टमेंट में, जावेद अख्तर जी दिल्ली से नेशनल अवार्ड लेकर वापस आ रहे थे। हाँ। तब मैं ही उनको बार बार सर्विस दिया करता था। ओह। एक बार सर्विस देते वक्त मैंने देखा तो वो एकदम से परेशान होकर बैठे थे। वो क्यों? तुरंत पूछोगी तो कैसे है? नहीं मैंने तुरंत पूछा क्या परेशानी है, तो बोले कि शायरी लिखने में फंस गया हूँ। वो फंस गए? हाँ और मैं भी। फिर क्या हुआ? मैंने तुरंत 4 लाइन्स फ्लो में बोल दी तो यही शायरी है करके फट से लिख लिया। ऐसे ही हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। वो जब भी फंसते हैं तो मुझे फोन करते हैं। इतने क्लोज हो गए आप दोनों? आजकल घड़ी घड़ी परेशानी होती है, काम भी ठीक से नहीं होता है। सर का अभी भी देखो ना, सर कह रहे थे जुल्फों के गरम साए में, मैंने कह दिया पुराना है, उसके बाद मैंने जुल्फों की नरम छाव में कहा तो उन्हें अच्छा लगा। जावेद सर से मेरी बात करवा सकते हैं? क्यों भरोसा नहीं है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, उनकी तो कई म्यूजिक डायरेक्टर से पहचान होगी, तो मुझे भी कोई गाना गाने का चांस। ओ, तो तुम्हें सिंगर बनना है? सिंगर बनकर फिर अभी तुम्हें जावेद अख्तर जी से बात करनी है बस यही ना? मसाला चाय। हाँ बोल। जावेद अख्तर जी। छोरी छोरी सर, सर, छोरी सर, अभी तक सोचा नहीं है सर, लिखते ही भेज दूंगा सर। अरे तू क्यों सोच रहा है, यहाँ तैयार है। देखा इतने में और पूछने लगे हैं, गाड़ी अभी तक आगे बढ़ी नहीं। क्या बड़बड़ कर रहा है? जावेद जी अपनी पहचान की एक लड़की है। ओ। नाम सरोजा है, बहुत ही खास है, उसको सिंगर बनना है। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? जावेद जी आपकी तो प्रीतम जी, AR रहमान जी ऐसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ पहचान है सर, इसलिए थोड़ा इसकी भी हेल्प कर देंगे तो सर लाइफ बन जाएगी। रिक्वेस्ट कर रहा है मुझसे। समझ रहे हो ना सर? हाँ समझ गया मुखी, वही ना? हाँ वही सर वही। फोन दे उसको। हाँ बात करो बात करो। जावेद सर है? हाँ हाँ बात करो ना। हेलो जावेद अख्तर सर, मैं सरोजा, मेरी बहुत इच्छा है सर कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं। इच्छा जो है ना वो किसी की भी हो सकती है, इसीलिए सर मुझे गाना गाने का एक चांस, मुखी के दोस्तों सिर्फ इसीलिए, इसलिए नहीं। हाँ सर मेरा टैलेंट, सिर्फ मेरा टैलेंट देखकर। कैप्टन कॉलिंग माइक टू, कहाँ हो? ओवर। रहमान के घर से बुलावा आया है, लगता है तुरंत जाना होगा। दरअसल एक गाने पे चर्चा करनी है हम दोनों को, कल शाम तक उनके साथ ही रहूंगा। सरोजा एक काम कीजिए, मुखी के साथ बैठकर गाना रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। ओके सर, रहमान सर से प्लीज मेरे बारे में बात कीजिएगा। देखो बेटा सरोजा, अपने मुखी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्त ही सबसे बढ़कर होते हैं। जरा मुखी को फोन देना। तो जावेद सर की आवाज़ तो देवानंद जी से काफी मिलती है। अच्छा तो जावेद जी सुना ना आपने, आपकी आवाज़ इन्हें देवानंद जैसी लगती है। सेट हो रही है, तू बिगाड़ना चाहता है क्या? हाँ रखता हूँ सर, भेजता हूँ सर। ओके रखता हूँ सर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा,
कौन सा गाना गाऊं? मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है। अरे मैडम का सूप, मैडम को सूप देकर आती हूँ 10 मिनट में, तुम यही वेट करना। इंडियन गाऊं या वेस्टर्न गाऊं? नहीं नहीं नहीं, रहमान सर का कोई इंडियन म्यूजिक वाला गाना गाती हूँ, इंडियन ही अच्छा लगेगा। आइए सर, आइए आइए। अरे वाह, इतनी उम्र हो गई फिर भी इतना मेंटेन हो। आजकल काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है सर। क्या बात है? क्या रे, अकेला आया है क्या? नहीं, तेरी पुरानी गर्लफ्रेंड को भी साथ लेकर आया हूँ। भेजूं क्या? हम खुद लड्डू बेचते हैं, हमें बूंदी बेचने आया है। क्या रे, एक ही पैकेट लाया है? बैग कहाँ है? हमारे यहाँ शादी से पहले सिर्फ लड़की की तस्वीर दिखाते हैं, पहले रेट बता। अखिल कर्नाटका हलकट संघ का कार्यकर्ता है ना तू? हाँ, उस हलकट संघ का अध्यक्ष तू ही है ना? ए, कल तक तो ये बच्ची थी, इसे भी मस्त आइटम बना दिया। सब लोगों को मैं उठाता हूँ, लेकिन तुझे सुलाना ही अच्छा लगता है। बिजी है सर। क्या बताऊँ, सोने का टाइम ही नहीं है। और तेरा? उठने का टाइम नहीं। अरे है। हमारे पास सोने का टाइम नहीं और तेरे पास उठने का टाइम नहीं। लाइट बंद कर दो ना। ऐ, लाइट में सीन जरा मस्त दिखेगा ना। चला जा। अरे आ जा। क्या बात है, मजा आ गया। अरे ये कौन है, दिख तो मेरे जैसा रहा। ए, बहुत लोग बिस्तर पर रंग जमाते हैं, तो कुर्सी पर रंग जमाता है। ओए, मैं तुझे छोडूंगा नहीं। ये लो डीवीडी और ये वीसीडी और ये पेन ड्राइव। अरे खराब हो गया क्या? तू मुझे नहीं जानता। मार मार। आधे घंटे में बैग नहीं दिया तो समझ लेना तू। हाँ पता है, नहीं दिया तो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह पे डाल दोगे तुम। कौन हो भाई तुम? किंग हूँ मैं। सर, आपके पुलिस ट्रेनिंग में कौन सी ट्रेनिंग दी है? ये वाली शूटिंग की ट्रेनिंग? एक्चुअली मैं बहुत ही भला आदमी हूँ, पहले मांगते तो भी मैं दे देता ये बैग। वो सब छोड़कर वीडियो वगैरह निकालने की क्या जरूरत थी? ये बैग की बात बाहर नहीं आई तो वीडियो की बात भी बाहर नहीं आएगी, समझा? जो भी है निकाल दे। जो भी था वो सब तो निकाल लिए, अब और क्या निकालूं? सो स्वीट। जिंदगी की लगी पड़ी है और ये उड़ाया जा रहा है। अरे मैं तो उड़ा रहा हूँ, तू तो गिरा पड़ा है, उठ जा। बाप एक करे तो बेटे को दो करना चाहिए, वही बेटा होता है। किया तो है, पान की दुकान में तुम्हें 100 रुपए की उधारी नहीं देते और मुझे 500 रुपए की उधारी देते हैं। न जाने किस मुहूर्त पर इसे पैदा किया था मैंने। ए मोटी, मोटी मत कहिए मुझे। ए मोटी, इधर आ, इधर आ। वो पड़ोस के रमेश का बेटा है ना, अपने बाप के 15 लाख का कर्जा एक झटके में चुका दिया। उसको कहते हैं बेटा। ये जानकर मैं गेट के पीछे जाकर इतना रोया कि पूछो मत। उतना ही नहीं जी, माँ जी ने सिर्फ एक नहीं दो दो साड़ी जो इंस्टॉलमेंट में ली थी उसके भी पैसे ले आया ये। इधर। वो पड़ोसी के बेटे ने कोई उधार नहीं किया था, उसके बाप ने एक झटके में उसका सारा कर्जा चुका दिया। ये सुनकर उस पेड़ के पीछे जाकर उसने माथा पटक पटक कर उसने बहुत रोया माँ। इतना ही नहीं रे, उसने तो अपनी बीवी को एक किचन सेट दिलवाया, वो भी होम सेंटर से। माँ, एल शेप स्टोर फ्री में भी मिला उन्हें। ए, ज्यादा बक बक मत कर। ए, तू इधर आ, उसका बाप उसका पति क्यों कर रहे? इधर आ, चुप रह। ए, तूने क्या बोला? तेरे बोलने का मतलब क्या है? बोल। पूरा सीन दिख रहा है, लुंगी नीचे करो। पापा, जैसे बाप उम्मीद करता है बेटे से वैसे ही बेटा उम्मीद करता है बाप से। बाप बेटे का कर्जा चुका दे तो उसमें बुरी बात क्या है? क्या रे, मैं तुझे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तू मुझे ऊपर भेजना चाहता है। देखो पापा, बचपन में सब गोद में उठाते हैं तो बड़े होने के बाद क्यों नहीं? क्यों नहीं, मैं भी तुझे दूध पिलाऊंगा। अल्ले अल्ले मेले कार्तिक कार्तिक। मैंने पैसे नहीं दिए तो शादी रुक जाएगी बेटा, ऐसा आप शगुन मुझे नहीं चाहिए। वो मेरा चड्डी दोस्त है साधु, उसके ऑफिस में तेरे लिए काम है। तू आज ज्वाइन करेगा ना तो वो आज ही 10 लाख दे देगा बेटा।
बाद में सैलरी में से धीरे धीरे काट लेगा। जब तुझे एसआई का काम मिल जाएगा तो तुम वो काम छोड़ देना। अभी तो काम कर ले बेटा प्लीज। चीटियों के बिल में हाथ डालने को किसने बोला था? ए, अगर चीटी होती ना तो शक्कर डालकर उसे भगा देता, मगर ये तो टंक मारने वाले बिच्छू हैं। काट खाने से पहले इसे भगाना होगा। कोई और मेरी मदद क्यों करेगा? मेरा बेटा ही मेरी मदद करेगा, यही मेरी इच्छा है। देखिए पापा, मैं आपके सपने के लिए मैं बिच्छू अपने करोड़ों का सपना नहीं छोड़ सकता। कहाँ जा रहा है? देखिए पापा, आज पुलिस का सिलेक्शन है, सिलेक्ट हो गया तो एसआई की नौकरी। मैं तुम्हें सब क्यों बता रहा हूँ? सर, रिजल्ट कब तक आएगा? कल आ सकता है या परसों आ सकता है, 3 महीने बाद आ सकता है या 6 महीने बाद भी आ सकता है। क्यों रे, वो ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, तू बस अपना दिमाग खराब मत कर। जो करना है कर भाई। मैं जरूर करूंगा। हाँ रम्या। कार्तिक, मेरे पापा जबरदस्ती मेरी सगाई करवा रहे हैं। नहीं हो सकता, बोल दे अपने पापा को। मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगी, तुम नहीं आओगे तो आज मेरी सगाई हो जाएगी। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, ओके भाई, जल्दी आना। चलता हूँ यार। अरे कार्तिक, क्या हुआ? और ऐसा हुआ रम्या? हाँ? रम्या, मैं जिसके बारे में बोल रहा था ना, वो यही है। लगता है इसका फोर्स बड़ा अच्छा है। अरे कोई फोर्स वोर्स नहीं है, फोन किया और 5 मिनट के अंदर यहाँ आ गया, समझ लो कितना निकम्मा है, निठल्ले की तरह घूमते रहता है। अंकल कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो एसआई का टेस्ट देकर आ रहा हूँ, बस अब रिजल्ट आ ही जाएगा। अरे बहुत देखे हैं, तू जब भी मिलता है रिजल्ट आ जाएगा करते रहता है। ये पुष्पा, पुष्पावती भी नहीं बनी थी, तब से सुन रहा हूँ। अब उसकी शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, और वो बच्चा स्कूल में फैंसी ड्रेस पहनकर पुलिस वाला भी बन गया। अंकल, आपको अभी तक नौकरी नहीं मिली क्या? ए, दूला कौन है? तो तू है ना दूला? हाँ, मैं ही हूँ। तू ही है ना? ए, देख भाई, रम्या से 3 साल से प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं गुरु, अंकल जब 5 साल बोले थे तो भी यहाँ की थी, 3 साल तो बिल्कुल चलेगा। भाई मेरी बात समझ, मुझे से शादी करनी है बस। क्या रे, तू यहाँ झगड़ा करने आया है? तेरे बाप की वजह से अब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, अब मैं उसकी शादी इसके साथ करवाऊंगा। ये कोई और नहीं है, मेरी बहन का भतीजा है, 10 लाख रुपए दे रहा है, 1 रुपया भी मेरा खर्च नहीं हो रहा है। मेरी बेटी रम्या की शादी मैं इससे ही कराऊंगा, तू देख लेना। छोड़िए अंकल, हम बात कर रहे हैं। बॉस, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हर बाप अपनी बेटी को बेस्ट दूल्हा देना चाहता है भाई। यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ, बेस्ट दीजिए। आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सड़कों पर 10 मिलते हैं, पर एसआई एरिया में अकेला एक ही एसआई। रोड पर एक क्वालिस आती है, उसमें 10 लोगों को स्कूल के बच्चों की तरह भर कर ले जाता है, पर एसआई को, एसआई के लिए एक सेपरेट जीप, डोर खोलने के लिए 2 कांस्टेबल मिलते हैं। हम खुद जाकर चोर चक्कों को अपनी जान की बाजी लगाकर पकड़ते हैं। आजकल सबसे ज्यादा कंप्लेंट तो इन सॉफ्टवेयर वालों के ही आ रहे हैं। हस्बैंड ने वाइफ को मारा, वाइफ ने हस्बैंड को मारा, ये सब देखा जाए तो कौन बेस्ट है, एसआई या इंजीनियर? कौन कौन? ठीक है, तू ही बेस्ट है मैं मानता हूँ, लेकिन तू 10 लाख रुपए लाकर कहाँ से देगा? ये तो दे रहा है। पापा, 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इतनी जल्दी कोई कैसे लाएगा? थोड़ा टाइम तो दीजिए ना पापा। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। देखो, 20 दिन में मैं इनविटेशन कार्ड छपवाऊंगा, उसमें दूल्हे का नाम नहीं लिखूंगा। अगर तू 10 लाख रुपए देता है तो तेरा नाम लिखवाऊंगा, नहीं तो ये तो है ही। ओके, 10 लाख देने के बाद बात करूंगा। ओके। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने कहा ना मैं दे दूंगा। अरे थोड़ा तो वक्त दो। अरे क्या कर रहे हो? अरे देखो, अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे ये क्या कर रहे हो? सुनो, 2 महीने से ब्याज नहीं दिया तो तेरा बाप आकर चिल्लाता है, बहस करता है। मेरे बाप ने तो उससे बहस किया होगा, मैं होता तो फोड़ देता। अरे वाह, अरे वाह,
मैंने दो महीने से ब्याज नहीं दिया तो तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा बोलता है। तेरे बाप ने दो साल से ब्याज नहीं दिया उसका क्या? बिना गला पकड़े अगर कोई ब्याज नहीं देगा तो मारपीट तो करनी पड़ेगी। कसम खा के कहती हूँ नहीं देगा। साल हो गए किराया नहीं दिया इसने। अगर किराया मांगने जाओ तो कहानियाँ सुनाने लगता है। मेरी उम्र कहानी सुनाने की है, सुनने की नहीं। कहानियाँ कान सुनते हैं, पेट तो नहीं सुनता ना। आसपास के लोग पूछते हैं, क्यों माँ जी डाइट पर है क्या? कितने दिनों से खाना नहीं खाया, किराया दिला दो बेटा। सुन बेटा, खून 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 खून। क्या किया रे तूने? देख क्या किया। गजगौरी इधर आ। अरे कपड़ा ला। अरे कहाँ ना कपड़ा ला। जल्दी कपड़ा ला। अरे तुझे कपड़ा लाने में 3 महीने लगेंगे। इसी से काम चला लेता हूँ। ओ बहुत आई साड़ी वाली। बेटा चाहिए कि साड़ी चाहिए? तुम ठीक हो ना बेटा? पापा इतनी परेशानियां हैं आपने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता, पहले पेंशन से सब मैनेज हो जाता था और अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए ब्याज नहीं दे पाया बेटा। मेरा वो दोस्त पीसी शेखर है ना, उसने बोला है वो मुझे सिक्योरिटी की नौकरी दिला देगा। तू चिंता मत कर बेटा, जा आराम कर। नहीं पापा, मैं नौकरी पर जाऊंगा। वो कॉर्पोरेशन ऑफिस में आपने किसी फ्रेंड्स को बोला था ना, उन्हें बोल दो मैं जाऊंगा। अरे तूने तो कमाल कर दिया बेटा, कमाल। अरे जैसे दर्जी बराबर कपड़े काटता है ठीक तूने भी मुझसे वैसे ही काटा। अगर ज्यादा इधर उधर करता ना तो वाट लग जाती। वाट ये पकड़। क्या सही टाइमिंग थी तेरी, क्या डायलॉग मारी थी, कहानी कान सुनता है। मैं तो आज तेरा फैन हो गया। सुहाग रात में कोई शर्माना सिखाता है क्या? वो तो नेचुरली आता है। अरे बाप रे, इस उम्र में भी कयामत ढा रही हो। तू भी तो हीरो लगता है। ए, तू इधर आ। कान के नीचे एक लगा कर दूंगा। कितना सीरियल देखती है हा? तेरा सीरियल पहले बंद करना होगा। मैंने रोते रोते अपने जीवन में जो नहीं देखा है वो भी देख लिया। ऐसा बोल के तुम मार डालती हो, मेरे बेटे का दिमाग कंफ्यूज हो गया। रिएक्शन रिएक्शन। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अगर कोई ओवर एक्टिंग करे तो दूसरे को चुप रहना चाहिए ना। अगर माँ इमोशनल ड्रामा और रोना धोना शुरू करेगी तो तुम्हें डमी का काम करना पड़ेगा। और अगर कैबरे चल रहा हो तो डांस करना चाहिए ना। मुझे रात को सुलाकर तू ये सब देखती है क्या? सुन, जा और जाकर दो पकौड़े और एक मिर्ची बड़ा लेकर आ। नमस्ते सर। भाई अब तू यहाँ क्या करने आ गया है भाई? 5 करोड़ का माल है, कुछ तो करना। ए भाई तू जाना यहाँ से, और जाते जाते मेरे क्वार्टर और स्नैक्स के पैसे भी देकर जाना। मैं 1 करोड़ दूंगा तुझे। अरे गाना कि जा तू यहाँ से। क्या यार, संडास पर पड़े रुपए तो उठा लेता है और तू करोड़ों के सामान को लेने से मना कर रहा है, क्यों भाई? देख भाई, संडास पर 100 रुपए गिरे हो तो उठा सकते हैं, लेकिन 100 रुपए पर अगर संडास गिरे हो तो कैसे उठाऊं? पहले से ही मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा। आसमान से गिरा खजूर पर अटका जैसी हालत हो गई है मेरी। तू जा ना भाई यहाँ से। तुझे हुआ क्या? वो बैग वाला लड़का था ना, मुझे बताए बिना मेरी ब्लू फिल्म बना डाली उसने। मार्केट में कोई नया MMS आता है तो दिल धड़कने लगता है। वो सब छोड़ो, कल न्यूज चैनल पर 7:30 बजे देखा, बार बार आ रहा था कि रक्षक ही रूम में बना दरिंदा। उस ऑफिसर का चेहरा नहीं दिखा रहे थे, इसीलिए मैंने फिर से रीटेलीकास्ट देखा। लगता है कैसेट चेंज हो गई है। कोई फोटो है क्या उसकी? हाँ है ना भाई, एक बार ऐसे ही मैंने उसकी फोटो निकाल ली थी, ये देखो। हमारा आदमी तो नहीं लगता है, कोई नया लग रहा है, कौन हो सकता है? भाई रोको।
भैया नमस्कार। ओए राजेश कहाँ मर गया? अरे उसे वायरल फीवर हो गया भाई। वो खुद तो वायरल लगता है, उसे ही वायरल हो गया। वो तो वायरल दिखता है पर आप ओए मजाक करता है, कहाँ है वो? वो नहीं आ पाया इसीलिए इसे भेजा है, ये बहुत अच्छा काम करता है। हो गया क्या भाई? होम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया है ना भाई? सुन सुरेश, जगह ढूंढने से पहले ही माल कहाँ रखना है सोच लेता हूँ। क्या बात है भाई, बच्चा प्लान करने से पहले बच्चे को कौन से स्कूल में भेजना है सोच लेते हो। जब भाई घर पर होते थे तो माथे पर टीका लगाकर पूजा पाठ करते रहते थे, जब बाहर जाते थे तो सबसे पहले टीका हटाते थे। मैंने कई बार पूछा तो उन्होंने बताया कि धंधे में उतरो तो अपने पर भरोसा रखो, पूजा पाठ पर नहीं। इतने भरोसे वाले इंसान थे पर आज वो हमारे बीच नहीं है। सब कुछ अचानक हो गया भाई, देखा वक्त कैसे बदलता है। आइए। सहाय भाई ने जो वाइस चेयरमैन का असाइनमेंट किया था उसके दिए हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, चाकू पकड़ने वाले रोया नहीं करते हाँ? आज के बाद जितना भी काम होगा उसे शंकर ही पूरा करेगा। तुम लोग मुझे गलत मत समझो, ये फैसला मेरा नहीं है, आवाज सिर्फ मेरी है, मैंने जो सुना वही कहा, फैसला वाइस चेयरमैन का है, समझ गए? भाभी ये सारे पैसे भाई के हैं, आप जितना चाहे उतना रख सकती हैं, बाकी की औरों को दे दीजिएगा। नहीं हमें नहीं चाहिए। आपको क्या लगा कि भाई नहीं है तो हम लोग आपको भूल जाएंगे? भाई मरे नहीं है, वो बस बाहर गए हैं, बोल के गए हैं कि याद रखना रवि मेरे परिवार का और बच्चों का आज के बाद तुम ध्यान रखोगे, बस उनका हुक्म मान रहा हूं, इतना तो करने दो। भाई चाहे कहीं भी रहें उनका हाथ मेरे सर पे रहेगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं भाई का वफादार रहूंगा। सर बैठो, अब बोलो। सर आईएस ने जांच पड़ताल करके पक्की खबर भेजी है, सहाय का मर्डर करने वाला मलबार का शंकर ही है। लगता है कानून अपना काम करने जा रहा है। कहां पर हो विजय? उस गुंडे सहाय की मौत का क्लू मिला है सर, उसी से रिलेटेड एक को अरेस्ट करने जा रहा हूं। इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है, इस केस को इतना डीपली मत लो तुम। ये क्या कह रहे हैं सर आप? इस वक्त पूरा शहर इस मर्डर की बात कर रहा है, अगर हमने ढील दे दी तो पब्लिक क्या सोचेगी? तुम उसे अरेस्ट करोगे तो पुलिस की वाहवाही होगी। क्या विजय समझे नहीं क्या? ऊपर से ऑर्डर है, समझा करो ये सब। मरने वाला कोई स्वतंत्रता सेनानी तो था नहीं, गुंडा ही था ना, हम उसे मारते, इससे पहले ही वो आपस में एक दूसरे को मारकर मर गए। चुपचाप बैठकर सिर्फ तमाशा देखो। भैया एक चाय और एक बिस्किट। भीमा तू और मैं बचपन के दोस्त हैं, हमने 3 साल पहले तय किया था इस शहर पर तू राज करेगा या मैं राज करूंगा। तू सहाय के पास चला गया और मैं शंकर के पास। कल तक यहां का राजा सहाय था,
अब उसकी जगह यहाँ पर शंकर का राज चलता है। लेकिन शंकर ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द रवि उस शंकर का खात्मा करने वाला है। शंकर के बाद गैंग का राजा मैं बनूंगा, मौका देखकर तू उस रवि का खात्मा कर दे। शंकर के मरने के बाद ये गैंग मेरी हो जाएगी। तू किसी तरह एक बार सही मौका देखकर इस रवि को अपने रास्ते से हटा दे। उसके बाद हम दोनों फैसला करेंगे कि इस पूरे शहर पर तू राज करेगा या फिर मैं राज करूंगा। hey, तूने मुझे विश्वासघाती समझ रखा क्या? चाकू कैसे पकड़ते हैं और उसे चलाया कैसे जाता है, ये सारी बातें सिखाने वाले रवि भाई ही थे। रवि भैया के रहते मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता। और हाँ, रवि भाई को मारकर यहाँ कोई भी राज करने की सोचेगा, चाहे वो तू हो या कोई और, या फिर शंकर हो या कोई और, सबको कुचलकर उनका काम तमाम कर दूंगा और इस त्रिची शहर में अपना झंडा फहरा दूंगा। उसके बाद इस शहर का राजा मैं होऊंगा। ये एक दिन तू जरूर देखेगा। ये सब क्या है? क्या है? धक्का दिया और बिना सॉरी बोले जा रहे हो? ए, जाए इधर से। ए, हल्के में समझाए क्या? क्या बोला? तू जानता है मैं कौन हूँ? ए, मैं छोटू हूँ। ए, ए, इधर देख, जानता है ना मैं कौन हूँ? अरे बोलना मैं कौन हूँ? हम्म, बोल बोल। कौन है तू? साहे का नाम नहीं सुना तूने? इधर, अरे इधर आना। इस शहर का जो सबसे बड़ा गुंडा है ना, वो मेरा मामा है। मैं अभी सीधा उसी से मिल के आ रहा हूँ। कब? अभी। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है क्या? विश्वास हो गया? हाँ। तुझे देखते ही मैं समझ गया था तू कोई बड़ा आदमी है। अब बता, चल अच्छी बात है, अब सॉरी बोल। हाँ। सॉरी। ये चिलगोजी के छिलके, तू मत बोल, इसको बोलने दे। सॉरी, हो गया ना, अब जा। ये डर होना चाहिए। ए, अरे ओ लंबू, आज के बाद तुम दोनों मुझे कहीं मिलना मत, और अगर मिल गए। सुन, चलिए बैरिकेड हटा दे। ये मुंह ढक के कहाँ जा रहा है? Hey, देख के नहीं चल सकता क्या? Yeah.
भीमा मुझे छोड़ दो, भीमा मुझे छोड़ दो, कुछ मत करो, मेरी बात सुनो, मैंने अपना रास्ता बदल दिया है, अब मैं किसी लड़ाई में नहीं जाता, मैं कोई हथियार भी नहीं रखता, देखो देख लो, भीमा भीमा छोड़ दो, भीमा छोड़ दो, नहीं भीमा 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 छोड़ दो, भीमा हाथ जोड़ दो तुम्हारे, छोड़ दो भीमा। नहीं भीमा मुझे माफ कर दो भीमा, नहीं भीमा मुझे माफ कर दो भीमा, नहीं नहीं भीमा 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 भाई क्या हुआ भाई? वो क्या है ना, शंकर के गैंग में जो राकेश है ना, वो शादी करके सेटल होना चाहता है। कल वो एक बार में बैठा था और बोल रहा था कि वो अप्रूवल बन जाएगा। शहर में हमने क्या क्या कहाँ किया है ये सब उसको पता है, उसने उगल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ भीमा? ये छोड़ो भाई, आप क्यों परेशान हैं? एक्चुअली वो राकेश ने सब कुछ उगल दिया है, ये शंकर का ही काम होगा, उसका जिंदा रहना अब हमारे लिए सही नहीं है, और वो मिनिस्टर भी शंकर की तरफ है और अब वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसे मारना जरूरी है। नहीं, किसका खून है? राकेश का? हाँ? ये राकेश ही है ना? ए, मैंने बोला था ना, जो मैं बोलता हूँ मेरा भीमा हमेशा कर देता है। ए तू सुन। जी भाई। एक काम कर, अब तू स्टेशन जाके सरेंडर हो जा। ठीक है भाई। ए, उठाओ रे भीमा को, अब जश्न मनाएंगे। शहर हमारे कंट्रोल में होने के बाद भी हमारे आदमी को मारा गया, सहाय के बिना इतना उछल रहा है वो, उस भीमा को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। भाई जब पता है वही है तो मंत्री से कहकर अरेस्ट क्यों नहीं करवा देते? जा बे। मिनिस्टर से मैं नहीं बोल सकता क्या? पुलिस से बोलकर उसे अरेस्ट करवा कर और फिर उसे सरकारी गवाह बनाकर हम सबको मरवा डालेगा। बात करता है, हमारे बीच जो गैंगवार हो रही है डिपार्टमेंट को पता है, हम सब आपस में लड़कर मरे इसलिए वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं, उससे हमें फायदा ही है, भीमा ही इस सब का कारण है, अगर उसे मार दिया तो सब चुप बैठ जाएंगे। ओए इधर आ। जी भाई। उस भीमा पर खांचा बिठाओ। राजेंद्र जी की, थोड़ा झुकिए सर, थोड़ा और, सुपर। हट हट, हाय, यही है प्रेस वाला। मैंने किसी का खून नहीं किया है, मुझ पर कोई केस नहीं है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, खुद कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दिया है, और एक तुम हो कि मैंने रेप किया है, मर्डर किया है कहकर मेरी इमेज खराब कर रहे हो। भाई फोटो। मेरे बारे में तुमने इतनी डिटेल्स इकट्ठी कर रखी है, मतलब तुमने मुझ पर PhD कर रखी है, बस एक साल रुक जाओ उसके बाद मैं MLA बन जाऊंगा। भाई थोड़ी देर और हो जाती तो इन फोटोज को ये पेपर में छपवा देता। साले कमीने, तेरी इतनी हिम्मत। ओए प्रेस वाले, मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है इसलिए दादागिरी को मैंने साइड में रखा हुआ है, वरना पब्लिक हो या प्रेस में किसी से भी नहीं डरता, अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं उसका रेप कर दूंगा। हेलो, आपके भाई को किसी ने बहुत मारा है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, आप जल्दी आ जाइए। चलो रे। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इसे बेड पर चुपचाप पड़ा हुआ देख रहा हूँ। हमारे भाई को क्या हुआ है? भाई वो क्या हुआ कि आ,
तो क्या वहाँ से नीचे गिर गया? पूरी बात तो सुनिए। फिर क्या हुआ? क्या रे? पैसे निकाल बे पिचको। उसने पैसों के लिए मारा? उसने नहीं मारा। तो फिर क्या हुआ, जल्दी बताना। जग्गी जिंचा जग्गी। ब्रो, आज आपने जो कपड़े पहने हैं, जिस लड़की से मैच होंगे वही आज हमारी पार्टी की गेस्ट होगी, ठीक है? हाय हाय। ब्रो वो देखो, मिल गई। गुरु, नाइट पार्टनर फिक। लाइफ पार्टनर फिक। हाय हाय। असाइनमेंट पूरा हो गया? हाँ, हो गया। मेरा भी ऑलमोस्ट हो गया है। जग्गी जिन चाक जग्गी। सेम टू सेम, सेम पिच। देखो आज मेरा बर्थडे है, तुम आकर केक काटोगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ। ए चिंचाक, तुम्हारा बर्थडे केक काटने के लिए मैं क्यों आऊंगी? Who are you? You mean me? I'm your fan यार। सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो? देखो तुम मना मत करना, अगर तुमने पार्टी में आने से मना किया तो तुम्हारा ये फैन कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर लेगा। हा? तुम मेरी साइड हो या सुसाइड की, डिसाइड कर लो। मुझे तो ये पागल लगता है, किसी भी तरह इससे पीछा छुड़ाओ। तुम्हारी फ्रेंड ने तुमसे कुछ कहा ना? क्या कहा इसने? ओके, मैं पार्टी में आऊंगी। यस यस, बट वन कंडीशन। जल्दी बताओ, किसी को सुलाना है, पीटना है या एक टांग पर खड़ा करना है? इतनी तकलीफ मत करो। हा? तुम बस तीन दिन इसी तरह सेम टू सेम कलर की ड्रेस पहन कर आओ और सेम पिंच करो, बस उसके बाद तुम जहाँ बोलोगे वहाँ आ जाऊंगी। ओके? चलो। ये क्या यार, सेम कलर। चल ना, चल, इनके मुंह मत लग। सेम टू सेम। हाँ बोलिए भाई। अबे काम चोर कहीं के, तूने कौन सा कलर बताया था? पर्पल कलर भाई, घर से वही पहन कर निकली थी वो। सेम पिंच। कैसा रहा पंच? तुमने यही सोचा था ना कि तीन दिन तक मेरी ड्रेस का कलर पता करवा कर सेम पिंच करके मुझे बेवकूफ बना दोगे? तुम्हारी चाल समझ में आते ही मैं फ्रेंड के घर गई और ड्रेस चेंज कर ली। क्या लड़की से पिट कर यहाँ पड़ा हुआ है? मेरी बात तो पूरी होने दो। hey, कहानी मत सुना, जल्दी बता आगे क्या हुआ। hey, तूने हमारे भाई पर हाथ उठाया? hey, hey, सच्चे आशिक का दिल में दुखाओ, कह देता हूँ चुपचाप मेरे साथ चलो। तेरे साथ बस यही हुआ भाई, वो शेर की तरह आया और भाई पर वार किया, फिर भाई कोमा में चले गए। कोमा में? हाँ भाई, भाई? उसको छोड़ना मत भाई, जान से मार देना। मेरे भाई को सेम पिंच का आइडिया किसने दिया? मैंने भाई। बेवकूफ, तो पहले तुझे मारना चाहिए उसे, नहीं आइडिया देगा आइडिया। तितली की तरह उड़ने वाला सूखे पत्ते की तरह पड़ा है भाई, तेरे साथ बाकी के मार खाने वाले कहाँ गए? वो सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। कौन है वो, यहाँ कौन ऐसा पैदा हो गया जिसने मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की? उससे तो मिलना ही पड़ेगा, ढूंढो उसे। डर गई ना बदमाश, कॉलेज चल फिर बताती हूँ। छोड़ना। अरे स्मिता, तुम कब आई बेटा? बस अभी आई आंटी। सॉरी बेटी, तुम्हें इसने डरा दिया ना? इट्स ओके आंटी। मैंने सॉरी कहा और उसने ओके कहा, ये तो रोज की बात है। ये तुम्हारी बॉडीगार्ड से कम नहीं है, असल में तुम्हें इसको थैंक यू कहना चाहिए। उस दिन उस भले इंसान ने तुम्हें वक्त पर नहीं बचाया होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। कुछ पता चला बेटी वो लड़का कौन है? आंटी
इसने हर जगह उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की, सबसे उसके बारे में पूछा, फेसबुक गूगल व्हाट्सएप हर जगह उसे सर्च करती रहती है। बस कर कॉलेज का टाइम पता नहीं वो लड़का किस महान इंसान का बेटा है, भगवान करे वो सदा खुश रहे। माँ लीजिए। अरे अरे ये मेरे लिए नहीं तो भगवान के लिए लाए थे। रखो चलो। श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष फल सिद्धिरस्तु। मदर इंडिया जल्दी आओ, प्रसाद खत्म हो जाएगा। ए पेटू कहीं का, तेरी एसआई की एप्लीकेशन भगवान के चरणों में रखकर प्रार्थना करने आए थे हम, और तू यहाँ आकर प्रसाद की लाइन में खड़ा है। बताओ हम भगवान के पास क्यों आते हैं? अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करने के लिए। और भगवान क्या करते हैं? वरदान देते हैं। वरदान मतलब प्रसाद ना? हाँ हाँ। तो प्रसाद वहाँ देते हैं कि यहाँ देते हैं? ए अरे थोड़ा और डालिए ना। अरे बेटा पूरा बर्तन उठा ले। ये भी ठीक है। अरे क्या कर रहे हो बदमाश। सूर्या तू एक काबिल और ईमानदार सब इंस्पेक्टर बनकर एक सिंसियर ऑफिसर बन के नाम कमाओ, यही मेरा सपना है। दुनिया की हर माँ अपने बेटे की सेफ्टी के लिए डॉक्टर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहती है, और एक तुम हो कि अपने बेटे को गुंडों से फाइट करने के लिए बोल रही हो। अब तुम ही बताओ अगर मुझे कल कुछ हो गया, व्हाट अबाउट यू मदर इंडिया? मुझे पता है हाँ? तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि तू एक टाइगर का बेटा है। मेरे पास एक बीवी एक बेटा और एक सूटकेस है। कानून की हिफाजत के लिए कहीं भी जाना पड़े मैं तैयार हूं, कहीं भी रहना पड़े मैं तैयार हूं। गॉट माई पॉइंट? माँ माँ आज क्या स्पेशल है? वाह 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 सुपर माँ, तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? माँ दीदी ऐसा स्वीट मैंने लाइफ में नहीं खाया। माँ मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियां लेकर आऊंगा। दीदी तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाऊंगा। ए पड़ोसी ने दिया है ये, अच्छा नहीं है इसलिए यहाँ रखा है। सिर्फ खाने के लिए मम्मी की याद आती है ना, उनकी फिक्र तो नहीं है। माँ 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 क्या बात है, रो क्यों रही हो? तू एक और गलती करेगा और मुझे तुझे खोना पड़ेगा, यही गम मुझे खाया जा रहा है। माँ तेरे बगैर मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी बेटा? माँ दीदी माँ माँ यहाँ बैठ जाओ। माँ माँ तू नहीं चाहता ना कि माँ जिंदा रहे? तू गलती करता रहता है और माँ रोती रहती है। तू छोटा बच्चा है क्या जो तुझे बार बार समझाना पड़े? तुझे माँ से जरा भी प्यार नहीं है ना? मेरे एक गलती करते ही मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा ना, लेकिन ये गलती मैं नहीं होने दूंगा। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। माँ दीदी ने कैसे कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? माँ अरे ऐसे कैसे चलेगा यार, झगड़े तो होते रहते हैं, घर चला हमारे मैं साथ। नहीं चलूंगा, तुम लोग जाओ। ए, मार्केट में लफड़ा होता है तब तो तू दूसरों की जान बचाता है, आज जब हमारे यहाँ झगड़ा हो रहा है तो बोलता है कि नहीं आऊंगा। वो लोग मुझे घर से निकालने पर तुले हुए और तुम अपनी कहानी सुना रहे हो। ए ये पैंट तो बिल्कुल अन्ना हजारे जैसी है। हे, 10 मर्दों से अकेले टकराने वाला जाबाज मर्द है तू, जाबाज मर्द। अच्छा? ए चुप, मुझे चढ़ाओ मत, पता नहीं घर पे मेरे पापा कैसे होंगे। पता है एक बार क्या हुआ? मुझसे 50 गलतियां हुई थी और इसकी 50 गलतियां मैंने पचा ली हैं। 4 महीने पहले शादी के लिए एक मंगलसूत्र खरीद कर लाया था, लेकिन पापा ने शादी के बारे में जरा भी नहीं सोचा, मुझे घर से बाहर निकालने में जरा भी नहीं हिचकिचाए, इसलिए पापा से तो बचकर रहना ही और इससे भी बचकर रहना। आप अपनी गलती को मेरे सर पे क्यों थोप रहे हो? जाओ ना यहाँ से। तेरे पापा बहुत डेंजरस हैं। है इसे सिर्फ एक ही बात का डर है, अगर इसके पापा ने इसे घर से निकाल दिया तो इसे जमीन जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। फिक्र मत कर, तेरा हक कोई नहीं मार सकता, हासिल करने के लिए कानून है ना।
कोर्ट में केस कर देंगे अपन, डर मत बिंदास रह। ए, मेरे घर वाले ही मेरे लिए सब कुछ हैं, माँ बाप भाई बहन यही आखिरी तक साथ देने वाले हैं, उनके प्यार के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सॉरी मैं नहीं चलूंगा। लाओ मैं ले जाती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं ले जाता हूँ। नहीं बाबा तुम कुछ मत करो, बस कोई गलती मत करो। कुछ भूली तो नहीं ना? नहीं नहीं, रस्म के सारे सामान और साड़ियाँ ले ली है ना? हाँ सब कुछ रख दिया है। मंगलसूत्र? मंगलसूत्र क्यों, क्या हुआ? हाँ हाँ वो भी रख लिया। मंगलसूत्र रखा ना? हाँ रखा है, रखा है। गलती को सुधारने के लिए आपको अलग से टिकट दिया है, लीजिए रखिए इसे। मेरे लिए अलग टिकट क्यों? हाँ भगवान की मर्जी है साहब। क्या भगवान की मर्जी? इस वक्त आपका नंबर है 99, अगर आपने एक गलती और कर दी तो आपकी सेंचुरी पूरी हो जाएगी, फिर सब लोग आपको ले जाकर गाँव में छोड़ेंगे। सब मुझे ही देख रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम शादी हो रही है ना इसीलिए। अब मजाक कर रहा था मालिक। मुझे लगता है आज आखिरी दिन है जब तुम हमारे साथ रहने वाले हो। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरा दिल सुबह से बहुत तेज धड़क रहा है। तेरा दिल धड़क रहा है तो तेरी प्रॉब्लम है। वो बात मुझे नहीं है मामा, घर में नानी माँ सब रहेंगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा इसलिए तुम रहोगे। माँ क्या ढूंढ रही हैं आप? मंगलसूत्र, मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है। मंगलसूत्र नहीं मिल रहा? ए जी हे भगवान, तुझे जरा भी अक्ल नहीं है? माँ जी काम में बिजी रहती है इसलिए उनका भूलना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहाँ था? हर चीज को घिस घिस कर धोना ही आता है क्या? जरा सा ध्यान नहीं रख सकती थी? माँ ने कहा था कि वो सब रख लेंगी इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्या? ये मालिक को मालूम है? नहीं अगर उन्हें पता चल गया ना तो सबको रेलवे ट्रैक पर लिटा कर ट्रेन चढ़ा देंगे सब। ओहो जरा आप चुप रहेंगे, मम्मी पहले से ही घबराई हुई है। अब तो घर जाकर ही मंगलसूत्र लाना होगा, लेकिन घर जाएगा कौन? किसी को जाने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। माँ तुम क्यों परेशान होती हो, मैं जाकर ले आता हूँ। तू मत जा बेटा, मत जा। मेरा विश्वास नहीं है माँ, ट्रेन छूटने में आधा घंटा बाकी है, मैं यूँ गया और यूँ आया। ओके पर अगर उन्हें पता चल गया तो? पता चलने का चांस ही नहीं है माँ, मेरा दूसरा डब्बा है। दीदी माँ का ख्याल रखना। ओके मैं चलता हूँ। मामा इस बार सेंचुरी मारेगा गारंटी। मेरी दीदी को बचा लो माँ। प्रार्थना बाद में कर लेना मैडम, पहले मेरे जो पैसे हुए हैं वो तो दे दो। चेंज नहीं है मैडम। मैं तुम्हें 80 रुपए देती तो तुम रख लेते क्या? हाँ अब 6 रुपए छुट्टा नहीं है तो मैं क्या करूँ मैडम? 6 रुपए छुट्टे नहीं है मतलब? हमारी गवर्नमेंट 1 रुपए में 1 किलो चावल देती है, अगर तुम 6 रुपए में 6 किलो चावल लेकर 1 किलो को 30 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो 180 रुपए आएगा, उस 180 रुपए से 180 किलो चावल लेकर फिर 1 किलो को 30 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो 5,400 रुपए मिलेंगे, और फिर तुम उन पैसों से 5,400 किलो चावल खरीद कर फिर उसे 30 रुपए के हिसाब से बेचकर लाखों करोड़ों कमाकर अमीर आदमी बन जाओगे। 1 रुपए में इतना कुछ हो सकता है मैडम? वो सब मुझे नहीं मालूम, मेरे 6 रुपए निकालो चलो दो। अरे मैडम मेरी जेब फट जाएगी, क्या करनी है, ये लीजिए 5 रुपए। हाँ क्या मेरे 1 रुपए कहाँ है? प्रार्थना एक एक पैसे का हिसाब रखती है। अब 1 रुपए छुट्टे नहीं है तो क्या करूँ मैं? उदयगिरी चलो। नहीं साहब नहीं जाना, ऑटो में बैठने से पहले छुट्टा लेकर बैठना चाहिए, याद रखिए। 1 रुपए कम हो गया तो दिमाग खा रही है आप जैसे 2-4 पैसेंजर मिल जाए तो अपनी तो हो गई गाड़ी। कहाँ से आ जाते हैं? हेलो दीदी तुम पहुंच गए? मैं ऑलरेडी रेलवे स्टेशन पर हूँ, कल सुबह तक पहुँच जाऊंगी। क्या करूँ कोई जाने को तैयार नहीं है। घबराओ मत दीदी, मुझे उठा कर ले जाने की हिम्मत ये कौन आ गया? अरे एक्सक्यूज मी, अरे मेरा ऑटो लेके भाग रहा है, जल्दी चलो। ए कौन हो तुम और ऑटो को कहाँ ले जा रहे हो? ए जरा चुप रहो। ए स्टॉप,
Are you mad? Please, कहा ना कोऑपरेट करो. कोऑपरेट करो? हाँ मैडम. ऑटो रोको, ऑटो रोको, वरना तिरुपति एक्सप्रेस छूट जाएगी. मुझे भी उसी ट्रेन में जाना है. सिर्फ 5 मिनट लगेंगे. किडनैप नहीं कर रहा हूँ. किडनैप? Help! मेरी जान को बचाओ. Help me! Stop, 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 stop! तुम बहुत तेज चला रहे हो. मीटर बंद कर देखो. ज्यादा चिल्लाओगी तो मीटर निकाल के मुंह में डाल दूंगा. बकवास करके दिमाग खराब कर रही है. ओह, चाबी नहीं है. अभी बताती हूँ, रुक. ओ, इंगे जाना है. ए, ए, रुक, रुक, रुक. जल्दी बैठिए मैडम, कुछ भी हो जाए आज उसे छोड़ूंगा नहीं. मेरा बैग उस ऑटो में है, प्लीज जल्दी कीजिए. आप मुंह बंद करके नहीं बैठ सकती हैं क्या? उस 1 रुपए के लिए आपका बैग गया और मेरा तो ऑटो ही चला गया. अरे रे रे, मेरा बैग, मेरा बैग, इसमें पैसा भी था. ओह गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड. तुम क्या समझते हो कि मैं भूल गई हूँ? चलो 1 रुपए निकालो. किस बात के 1 रुपए? चलो निकालो. ये दोनों ऑटो मिला करके आपका 600 रुपए बिल हो गया. 600 रुपए? 1 रुपए काट के 599 दे दीजिए और उसी 1 रुपए से 1 किलो चावल लेकर के 30 रुपए में बेच दीजिए और उससे 30 किलो चावल लेकर. ओके ओके ओके, देती हूँ, रुको.